तो अभी गाइज आप लोग को एक खुशखबरी देनी थी, और फाइनली काफ़ी टाइम बाद हमारे जावा बर्ड्स के बच्चे भी हैच हो गए हैं, और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये क्वालिटी वगैरह चेक करें बर्ड्स की, कि बर्ड्स इस ठंडी में भी काफ़ी ठीक ठाक चल रहे हैं। और जावा वगैरह तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरी बजीज में कुछ दिक्कत आ रही है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा। और ये जो पेयर है ये मैं बर्ड मार्केट से लाया था, और जनरली मैंने जिनसे भी पूछा था, जिन ब्रीडर से भी पूछा था, तो वो कह रहे थे कि पहले से ही रेडी मतलब ब्रीडर पेयर ही आपको उठाना चाहिए, क्योंकि इसमें मेल फीमेल जल्दी कंफर्म नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर हम लोग ने इतनी देर लगाकर इतना अच्छे से चूज़ किए थे सारे बर्ड्स, कि दोनों के दोनों पेयर निकले, और दोनों ने काफ़ी अच्छी ब्रीड भी कर दी। और इनकी ब्रीड का रिजल्ट चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है गाइस हमारी पहली हांडी, इसमें इन्होंने 6 अंडे दिए थे, जिसमें से 2 बच्चे हैच हो गए, और 2 बच्चे दोनों काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और पहली बार के हिसाब से मैं तो बहुत खुश हूँ। और ये आप बच्चे देखें, और इनके साथ जो ये 4 अंडे पड़े, ये अंडे तो ख़राब ही हो गए, लेकिन आप बच्चे वगैरह देखें, ये इनके अब हल्के हल्के फैदर्स भी दिखने लगे हैं अगर आप नोटिस करें, और फीडिंग भी अच्छे से चल रही है अभी तक। मेरे हिसाब से तो सब ठीक ही चल रहा है, बाकी आगे देखते कैसे क्या होता है। और ये मैंने कॉकटेल्स के लिए भी एक हांडी लगाई हुई थी, जो कि जिसमें अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कॉकटेल्स अभी अडल्ट नहीं हुए हैं। और इसमें मैं एक पेयर और कॉकटेल डालूंगा, जो कि मैं किसी ब्रीडर से ही ब्रीडर के घर से लूँगा, और फिर देखते हैं कि वो कैसे ब्रीड करते हैं। और जब तक वो ब्रीड करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट सीज़न में ये भी तैयार हो जाए, क्योंकि कम एज के कॉकटेल से ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, और उनकी हेल्थ वगैरह भी ख़राब हो जाती इससे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक नया पेयर ही ले आया जाए, और ये भी रहेंगे अपने साथ, लेकिन उस पेयर को हम रखेंगे ताकि हम ब्रीड करा कर देख सकें। क्योंकि ऐसे कोई पेट, मतलब पता नहीं मेरे साथ क्या है कि जब तक मेरे पास कोई पेट रह के ब्रीड नहीं करता ना, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता, कुछ खाली खाली सा लगता रहता है। तो इसलिए एक ब्रीडर पेयर भी हम लोग लाएंगे, और आपके साथ शेयर भी करेंगे। और ये है साथ ही में अपनी दूसरी हांडी, और इसमें इसने 2 ही अंडे दिए हुए थे, जिसमें एक इसका ये बच्चा हैच हो गया है, और एक अंडा पड़ा हुआ है, और इसको मैंने साथ में कुछ खाने के लिए कुछ दिया हुआ था, तो इसने वो भी अंदर ही कर लिया है, शायद किसी पालक वगैरह का पत्ता है, तो इसने अंदर कर लिया है साथ ही में। और इसीलिए कहते हैं कि जावा को जब भी कोई सॉफ्ट फूड दें, या घास वगैरह के टाइप में चीज़ें दें, जैसे पालक वगैरह, उसको छोटा छोटा काट के दें, ताकि ये नेस्ट बॉक्स में अपने ना ले जा सकें, क्योंकि वो पालक ठंडी होती है और जाड़े के टाइम पे काफ़ी नुकसान भी कर सकती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसे हटा दूँगा, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।